हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक। अगर आपने इसके एक्सरसाइज के वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लेना, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जो मैं आगे के चैप्टर की वीडियो बनाऊंगा, चैप्टर 5 के 6 के, उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन 1 से 12 तक के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है एकदम सिंपल मेथड में समझते हैं। तो जो पहला 4 क्वेश्चन है ना, वहाँ पर आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। जैसे यहाँ पर आपको क्यूब निकालना है, ये क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, और ये भी क्यूब रूट। सीखते हैं। तो देखो, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ध्यान दो कि ये क्या हमारे एक मिक्स फ्रैक्शन है, और हम जानते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया जाता है, पहले उसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ता है। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स, ये सब आई होप आपको समझ में आता होगा क्या होता है। देखो, इस टाइप से कभी फ्रैक्शन रहता है तो मिक्स कहते हैं। अगर हमारा न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो तो उसे इम्प्रॉपर कहते हैं, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो तो उसे इम्प्रॉपर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ सॉरी मतलब प्रॉपर कहते हैं। नीचे वाला अगर बड़ा हो, ऊपर वाला छोटा हो तब प्रॉपर कहलाएगा, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है तो इम्प्रॉपर कहलाएगा। तो हम सबसे पहले जो क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स हमेशा इम्प्रॉपर में ही कन्वर्ट होता है। तो उसको कन्वर्ट करने का सबसे सिंपल तरीका है कि जो भी डिनोमिनेटर में है और ये जो बीच हवा में लटक रहा है, इन दोनों का करो मल्टीप्लाई, और ऊपर में जो भी नंबर उसे ऐड कर दो। तो 5 का मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आएगा, उसमें मैं ये 2 को ऐड कर दूंगा तो 5 बन जाए 5, और 2 हो जाएगा मेरा 7। तो मैं ऊपर न्यूमरेटर में लिखूंगा 7, डिनोमिनेटर में ये 5 ही रहेगा, और कंप्लीट के पावर में 3 है तो यहाँ पर पावर में 3 कर दो। अब हम क्या जानते हैं कि कभी भी किसी भी फ्रैक्शन के पावर में कोई भी नंबर हो तो वो न्यूमरेटर का भी होता है और डिनोमिनेटर का भी होता है। तो ये मेरा ब्रैकेट ओपन होगा तो 7 के पावर में 3 आ जाएगा, और नीचे 5 के पावर में भी 3 आ जाएगा। तो 7 के पावर में 3 यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, और नीचे 5 के पावर में 3 यानी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आपका 343 आ जाएगा, और नीचे 55 जो आपका हो जाएगा 25, और 25 जो हो जाएगा 125। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन होगा कम्प्लीटली सॉल्व होगा। डिटेल में आपको ऐसे सॉल्व करना है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, ये मेरा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ पर रूट के अंदर दिया हुआ है 4096 और पावर यहाँ पर 3 है। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, रूट को जब सॉल्व करेंगे तो अंदर में अपन तीन तीन का ग्रुप बनाएंगे। जैसे अगर पावर में कुछ नहीं लिखा रहता है, केवल रूट लगे रहता है, तो अब उस कंडीशन में अपन दो दो नंबर का पेयर बनाते हैं ना। यहाँ पर चूंकि 3 बना हुआ है तो तीन तीन नंबर का बनाएंगे। ये मैंने आपको एक्सरसाइज में सिखा दिया है पहले ही। तो यहाँ पर चलो जल्दी से इसके फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। पहले तो 4096 का लास्ट में 6 यानी कि 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 का टेबल में 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 0 उतर जाएगा। 2 4 जा 8 होगा, 9 में से 8 कट हुआ बचा 1, वो आगे जाकर इसको 16 बना देगा, तो 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर लास्ट में 8 आ गया तो फिर 2 से हो रहा है। देखो, 2 1 जा 2, ये 0 उतर गया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से हो रहा है क्योंकि लास्ट में 4 है। ये हमारा पहला डिजिट तो हो नहीं रहा है तो दोनों को एक साथ ले लेंगे, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 2 से जा रहा है। तो जब तक 2 से होगा तब तक आपको 2 से ही करना है। देखो, 2 2 जा हो जाएगा मेरा 4, यहाँ पर 5 में से 4 कट हुआ बचा 1, वो आगे जाकर इसको 11 बना देगा, तो 2 5 जा 10, 11 से 10 कट हुआ बचा 1, वो आगे जाकर इसको 12 बना देगा, तो 2 6 जा 12, फिर 2 से कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 आगे गया 16 बन गया, 2 8 जा हो जाएगा 16। कंटिन्यू करते रहो। देखो, लास्ट में हमारा अगर इवन नंबर आ रहा है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 का टेबल 32 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा 64 आ जाएगा, फिर 2 से 2 का टेबल 16 टाइम पढ़ो तो 32 आता है, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये जो मेरा नंबर था 4096, वो कंप्लीट 2 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब कितने बार हुआ है हमारा 2 का, कितने फैक्टर निकले हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर रूट बनाओ इस तरीके से बड़ा से एकदम, पावर में यहाँ पर 3 लगाओ और अंदर में 12 टाइम 2 लिखो इस तरीके से। देखो, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। एक बार काउंट कर लेता हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया पावर में 3 था, तो आप तीन तीन नंबर का पेयर बनाओगे। यहाँ पर से ग्रुप बना तो ये मेरा 1 2 बाहर निकल जाएगा, उस तरीके से यहाँ पर ग्रुप बना तो ये फिर 2 बाहर निकल जाएगा, ये ग्रुप बना तो फिर से 2 बाहर निकल गया, और यहाँ पर इन तीनों का ग्रुप बना तो एक बार और 2 बाहर निकल जाएगा हमारा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, यानी कि इसका अगर अपन रूट देखें, क्यूब रूट देखें, तो वो कितना होगा, 16 होगा, 4096 का, यही इसका फाइनल आंसर है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको जब इंट्रो वाला वीडियो बनाया था इस चैप्टर का, तो बोला था ना कि आप कम से कम 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब याद कर लो। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, उस तरीके से याद कर लो। तो यहाँ पर देखो, वही आपका काम आएगा। अगर आपने याद किया हो तो आप इसको एक ही बार बना सकते हो। ये जो हमारा 216 होता है ना, ये हमारा
सिक्स का क्यूब होता है। सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई जब सिक्स करते हैं अपन तो 216 होता है, और ये 340 जो थ्री होता है वो सेवन का क्यूब होता है। जब हम लोग देखे ना यहाँ पर सेवन मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई सेवन किया था क्वेश्चन नंबर वन में, तो 343 आया था। तो वही चीज़ है, अगर आपको याद हो तो आप इसको तुरंत देखो डायरेक्ट इस तरीके से बनाओगे। यहाँ पर हमारा थ्री को बाहर रहने दो, ठीक है। 216 को आप क्या करोगे, सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स कर दोगे डायरेक्ट, और ये जो हमारा 327 कितना है, सॉरी 343 है, तो ये आपका सेवन मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई सेवन हो जाएगा। अब यहाँ पर से इसका और इसका ग्रुप बन जा रहा है, तो इसको बाहर निकाल दो। सिक्स बाहर निकल गया और सेवन बाहर निकल गया, तो सिक्स सेवन जो आपका हो जाएगा 42। तो अगर आपको क्यूब याद रहेगा तो आप ऐसे बनाओगे। मान लो याद नहीं है तब क्या करोगे, आप इसके फैक्टर फाइंड करोगे। तो यहाँ पर जब इसका फैक्टर निकालोगे आप, तो देखो डायरेक्ट सिक्स नहीं निकलेगा, क्योंकि सिक्स हमारा क्या है, प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। हमारा टू और थ्री निकलेगा। देखो आपको मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ एक आगे स्टेप। देखो यहाँ पर हमारा जब डिवाइड होगा ना, तो टू वन जो टू होगा, फिर ये हम लोग दो डिजिट एक साथ ले रहे हैं, तो हम लोग जीरो लगाएंगे और टू एट जो सिक्सटीन करेंगे, फिर टू फाइव जो टेन और फोर टू फोर जो एट हो जाएगा। बाद में अगर दो डिजिट ले रहे हो तब जीरो लगाना है, शुरू के अगर दो डिजिट ले रहे हो तो जीरो वगैरह नहीं लगाना है। फिर ये हमारा टू का टेबल में 27 टाइम पे आएगा 54, फिर 39 जा, फिर 33 जा, और फिर 31 जा 3 आएगा। तो देखा मैंने बताया था ना कि डायरेक्ट सिक्स नहीं आएगा। अब आप पेयर बनाओगे तो टू 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 का पेयर बनेगा, थ्री 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 का पेयर बनेगा, तो वही हो जाएगा आपका। अंदर में जब टू 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 का पेयर बनाओगे तो टू निकल जाएगा बाहर, थ्री का पेयर बनाओगे तो थ्री निकल जाएगा, और ये तो सेवन का ही निकलेगा। तो फिर आप जब इनका भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इतना ही आएगा। तो आप जब नॉर्मल तरीके से बनाओगे तो ऐसे ही बना सकते हो, और आपको याद है तो आप डायरेक्ट एग्जाम में टाइम बचाने के लिए ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट। चलिए फोर्थ वाला सॉल्व करें। तो ये हमारा लास्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें इवेलुएट करना है। देखो 64 है, 64 के फैक्टर क्या होते हैं आप जानते ही हो। 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 जब करोगे तो 64 आएगा। मैं ये डायरेक्ट आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप देखो आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है, तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में ही 1 से 10 तक याद हो जाता है, इतने सारे सेम टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पर आप पावर में 3 रखो, 64 को -4 मल्टीप्लाई -4 और मल्टीप्लाई -4 लिखोगे, ध्यान रखना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है 64 माइनस में है। फिर डिनोमिनेटर में हमारे पास 125 है, तो हमने पहले ही देखा कि 5 मल्टीप्लाई 5 होता है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बताया था। तो बस यहाँ से -4 का ग्रुप बन जाएगा, तो बाहर -4 निकल गया, और नीचे हमारे पास ये 5 का ग्रुप बन गया, तो 5 निकल गया, तो -4/5 इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। बाकी अगर नहीं बनेगा डायरेक्ट तो ही फिर आप फैक्टर निकाल करके सॉल्व कर सकते हो। आपका 2 2 का यहाँ पर पेयर बनेगा, तो भी लास्ट में आपका -4 ही होगा, क्योंकि 2 का आपके पास ना 3 3 करके 6 नंबर आएंगे 2 के, तो -2 फिर मल्टीप्लाई, यानी कि एक होगा हमारा माइनस में और फिर होगा लास्ट में प्लस में, तो हमारा लास्ट में -4 ही आएगा। आप देख लेना ग्रुप बना करके, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो हमारा फोर्थ नंबर का हो गया। चलिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 से आगे, उनको मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाला, जहाँ पर हमें 1 और 3/4 के पावर में क्यूब दिया हुआ है, और इसका जो आंसर है ना अपने को कंप्लीट नहीं निकाल के दिया गया है। जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपको मिक्स फ्रैक्शन बना करके दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। 4 1 जा 4 और उसमें 3 ऐड कर दो तो हो जाएगा 7। तो ये हमारा 7/4 का क्यूब हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि देखो बड़ा क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। 7 का क्यूब भी है तो हमारा ये हो जाएगा 343, है ना, और नीचे 4 का क्यूब भी है तो ये हो जाएगा हमारा 64। अब ये तो हमको ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मैंने आपको तरीका एकदम डिटेल में समझा रखा है, मेरा ट्रिक वाला जो है। देखो मैं फिर से बता देता हूँ आपको, इस तरीके से सिंपली पहले तो डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद आपको नंबर कैसे लिखना है वो आगे समझाऊंगा। तो यहाँ पर हमारा 64 के टेबल में तो 34 आता नहीं है, तो हम लोग 3 डिजिट को एक साथ लेंगे, तो अब दिमाग ये लगाओ कितने बार में आएगा। तो यहाँ पर देखो मान लो इसको अगर 60 लेते हैं और यहाँ पर इसको अगर 300 लेते हैं, तो 6 टेबल में 60 कितने टाइम, मतलब 6 टेबल में 300 यानी 30 कितने टाइम पे आता है, 5 टाइम पे आता है। उसी तरीके से 60 के टेबल में 300 भी 5 टाइम पे आएगा, तो अप्रॉक्स ये 5 टाइम पे जाएगा। मैं आपको इधर मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं 5 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 20 का 0 कैरी, 5 हाँ 20 का 0 हो गया, कैरी हो गया 2, ये हो जाएगा 30 और 2 हो जाएगा हमारा 32, यानी 320 आ गया। अब मैं अगर 6 टाइम लूँगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, 43 से तो कहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 5 टाइम ही लेंगे। 5 टाइम पे कितना गया भैया, 320 आ गया। अब इसको यहाँ पर माइनस कर दो तो 3 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2 आ गया, ये 3 से 3 माइनस हुआ 0 आ जाएगा। तो इतना डिवाइड तो सभी बच्चे कर लेते हैं, मेन कन्फ्यूज होते हैं कि उसको मिक्स फ्रैक्शन में कौन से नंबर को कहाँ पर लिखा जाए। तो आपको कुछ कन्फ्यूज नहीं होना है, इसको आपको एंटी क्लॉक वाइज, जो मेरा ट्रिक है जो मैं आपको क्लास 7 से बताते आ रहा हूँ, वैसे आपको कर देना है, यानी उल्टी घड़ी की दिशा में इसको घुमा देना है। 23 नीचे से ऊपर चला जा रहा है तो 23 को ऊपर लिख लो, 5 हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ भाग रहा है तो 5 को इधर लिख लो, 64 नीचे आना चाहता है तो नीचे 64 लिख लो। तो यही क्या होगा, इसका मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म होगा। तो मेन बच्चे डिवाइड तो कर लेते हैं लेकिन एग्जाम के बाद गलती यही कर लेते हैं, 5 को इधर कर देंगे 64 को इधर कर देंगे। तो वो अगर आप कन्फ्यूज नहीं होना चाहते हो तो ये एंटी क्लॉक वाला जो ट्रिक है मेरा ये याद रख लो। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, 5 और 23/64। ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं।
तो देखो जो हमारा 6th नंबर का क्वेश्चन है, इसे आप ओरली ही सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब, इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है। तो हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, साफ साफ हमको दिख रहा है 216 जो होता है वो 6 का परफेक्ट क्यूब होता है। तो बस इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लियर सही हो जाएगा। बाकी आपने इसे पहले चैप्टर नंबर 3 में स्क्वायर भी पढ़ा था, तो 121 आप जानते हो 11 का स्क्वायर होता है। अगर आप इसके फैक्टर निकालोगे तो 11 मल्टीप्लाई 11 निकलेगा। उसी तरीके से 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है। 13 मल्टीप्लाई 13 करोगे तो 169 होगा। 196 आपका 14 का स्क्वायर होता है। 14 मल्टीप्लाई 14 करोगे तो 196 होगा। तो ये सभी क्या है, स्क्वायर है। और ये वाला डायरेक्ट अपने को दिख रहा है कि क्यूब है, तो ये हमारा क्यूब हो जाएगा। इसके बाद अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7। आइए इसे कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जहाँ पर 216 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, दोनों का अपने को क्यूब पता है। ये 6 का होता है और ये 4 का होता है। तो इसको आप ऐसे कर लो डायरेक्ट, एकदम पावर में 3 है, ये हो जाएगा मेरा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। और 64 का बैट लिख दो, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। आप चाहो तो उसी तरीके से कर सकते हो जैसे मैंने आपको पिछले वाले बताया था, 2 मल्टीप्लाई 3 भी कर सकते हो, लास्ट में आपका 6 ही बनेगा। तो यहाँ पर हमारा 6 का पेयर बन गया, तो ये 6 बाहर निकल जाएगा क्यूब रूट से। जैसे 4 का पेयर बन गया तो 4 बाहर निकल जाएगा, 6 4 हो जाएगा हमारा 24। इसका जो फाइनल आंसर है वो 24 है। तो एग्जाम में जब आया ना इस टाइप से क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट ही बनाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, वहाँ पर आपको देखा नहीं जाएगा कि आपने सॉल्व कैसे किया है। आप अपने माइंड में जल्दी सॉल्व करोगे कि ये मेरा 6 हो जाएगा और ये मेरा 4 हो जाएगा, तो 6 4 24 हो जाएगा लास्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो ये मेरा 8th नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ पर -343 और डिवाइड बाय में 729 दिया हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमारे सामने आए हैं ना, सभी देखो 1 से लेकर के 10 तक ही क्यूब है ना। और उससे अलग क्वेश्चन अभी तक हमारे पास आया ही नहीं है, बहुत ही कम आया है। तो ये हमारा देखो किसका होता है, 7 का होता है। अभी तक हमने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उस तरीके से ये पहली बार आ रहा है, लेकिन एक्सरसाइज में ये लोग कई बार आ चुका है। 729 9 का क्यूब होता है। आप चाहो तो यहाँ पर फाइंड करके देख सकते हो। जब आप निकालोगे 729 का ना, देखो 729 का जब आप फैक्टर निकालोगे, तो पहले तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है मेरा, क्योंकि 9 और 9 18 सबको ऐड करोगे तो 18 आता है, और 18 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो आप इसका 3 से मल्टीप्लाई क्या करोगे, फैक्टर निकालना शुरू करोगे। 3 2 जै 6 हो जाएगा, 1 इधर गया तो 3 4 जै 12 और 3 3 जै 9। फिर 3 से हो रहा है 3 8 जै 24, 3 1 जै 3। फिर 3 से हो रहा है 3 2 जै 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 इधर चल जाएगा तो ये 21 बन जाएगा, 3 7 जै 21। फिर 3 से हो जाएगा आपका 3 9 जै 27। फिर 3 से होगा 3 3 जै 9, 3 1 जै 3, है ना। तो देखो यहाँ पर आपका 3 का पेयर बना, फिर 3 का पेयर बना, तो 3 मल्टीप्लाई 3 बन के निकलेगा ये। और 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 9 होता है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 लिखेंगे, शॉर्टकट करेंगे। उस तरीके से ये हमारा 7 का है। तो इसको आप ऐसे क्यूब रूट बना करके, अगर पेयर में बना रहे हो तो -7 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -7 कर दो, ठीक है। पूरे में क्यूब लगाना, ध्यान रखना। और नीचे में हमारे पास ये जो 729 है, इसको आप 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 कर दो डायरेक्ट। तो ये हमारा ऊपर में -7 आ जाएगा और नीचे में हमारे पास 9 आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं का पेयर बन रहा है। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो -7/9 जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया हुआ है ना, उसमें आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ, बार बार बुक लाऊंगा दिखाऊंगा आपको ना दिक्कत होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट लीस्ट नंबर शुड 324 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। यानी ये जो हमारा 324 है, ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, या तो स्क्वायर से रिलेटेड आएगा कि बताइए कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए या कौन से नंबर का डिवाइड किया जाए तो स्क्वायर बनेगा, या फिर हमारा क्यूब वाला जाता है कि कितने का मल्टीप्लाई करें कि क्यूब बन जाए। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इसके फैक्टर देखने हैं कि फैक्टर में कितना कितना पेयर बन रहा है। जैसे आप जब इसका फैक्टर निकालोगे 324 का, जब आप प्राइम फैक्टर लिख लोगे, निकाल के देख लेते हैं, लास्ट में 4 है तो 2 से हो जाएगा, 2 का 12 16 10 पे 32, 2 2 जै 4, फिर 2 8 जै 16, 2 1 जै 2। फिर हमारा ये 3 से हो रहा है तो 3 2 जै 6 हो जाएगा, 1 इधर 2 इधर चला जाएगा तो 3 7 जै 21, फिर 3 9 जै 27, 3 3 जै 9, और फिर लास्ट में 3 1 जै 3 हो जा रहा है। तो जब हम वो फैक्टर देख रहे हैं तो वो हमारा 2 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद 3 जो है वो 4 टाइम है, ठीक है। यहाँ पर मैं 3 का 4 टाइम लिख देता हूँ। तो हम क्या जानते हैं कि कभी भी कोई भी परफेक्ट क्यूब जब होता है ना, तो उसके जो फैक्टर्स होते हैं उनका भी यहाँ पर क्या होता है, पेयर बनता है 3 3 बार। जैसे देखो ये 3 का तो एक पेयर बन गया, यहाँ से यहाँ तक तो ये 3 का पेयर बन जा रहा है। ये वाला 3 बेचारा क्या है, अकेला पड़ जा रहा है, और ये 2 जो 2 है ये अकेले पड़ जा रहे हैं। इसके साथ अगर एक और 2 रहेगा और इसके साथ 2 3 और रहेंगे हमारे पास, तब ये क्या हो जाएगा, मेरा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पर एक क्यूब मैं 1 2 और ले लेता हूँ इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जब 1 3 है तो इसके साथ मैं 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा अब ये परफेक्ट क्यूब बन गया, और ये जो 1 3 था अब ये टोटल 3 3 हो गए हैं, यानी कि ये भी मेरा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, क्योंकि अब 3 3 नंबर का क्या बन जा रहा है, यहाँ पर पेयर बन जा रहा है। तो हमने एक्स्ट्रा कितने नंबर लिखे हैं, 2 लिया है यहाँ पर, 3 और यहाँ पर 3 लिया है, यानी हमारा टोटल जो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 3 जै 9 और 9 2 जै 18 का कर रहे हैं,
यानी इसमें अगर आप 18 का मल्टीप्लाई कर दोगे ना 324 में, तब आपका ये जा करके हमारा परफेक्ट क्यूब बनेगा। इसको डिटेल में कैसे लिखना है स्टेटमेंट वगैरह वो मैंने आपको एक्सरसाइज में बता रखा है पहले ही, तो आप वहाँ के वीडियोस देख करके समझ सकते हो। उनका लिंक जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया ऊपर आई में भी मिल जाएगा बटन में, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, आपको क्या करना है फैक्टर निकाल लेना है, फिर देखना है कि कितना नंबर हमारे पास बच रहा है ना। जैसे 2 का हमारे पास 2 नंबर है, तो हम एक नंबर और लिख लेंगे 2 का, तो हमारा ये 2 का पूरा ग्रुप बन जाएगा। इस तरीके से 3 का केवल एक ही है, तो 3 को अब 2 3 और चाहिए, तब ना 3 3 3 पेयर बनेगा, तो 2 3 हम लोग और ले लिए। तो ये हमारे एक्स्ट्रा नंबर है जिसका अपन ने क्या क्या मल्टीप्लाई किया। तो टोटल आप इसका मल्टीप्लाई करके देखोगे कि 3 3 से 9 और 9 2 18 होता है, यानी हमारा 324 में कंप्लीट अगर 18 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हमारा क्या होगा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो 18 इसका जो है सही आंसर है, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसी तरीके से मान लो अगर इसी क्वेश्चन को बोलता कि बताइए कि इसमें कितने का डिवाइड करें कि हमारा ये जो है ना परफेक्ट क्यूब बन जाए, तब आप क्या करते हैं कि यहाँ से 2 और 2 को हटा देते, क्योंकि हम लोग को तो डिवाइड करना है ना, इनके अब हटाना है, अब लाना नहीं है, मल्टीप्लाई में लेकर के आते हैं, डिवाइड में हटाते हैं। तो यहाँ से अगर मैं 2 और 2 को हटा दूँ और ये 3 को हटा दूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अब हमारे पास क्या बचेगा, 3 3 मल्टीप्लाई 3 बचेगा, ये सब हमारे हट जाएंगे। तो हमारा डिवाइड करने के लिए यानी कि 3 2 और 2 ये सबको अगर हटाना है यहाँ से, तो मेरे को इतने ही से इसको डिवाइड भी देना पड़ेगा, नीचे 2 2 और ये 3 को हटा देते हैं अपन, तो एक्चुअल में मुझे टोटल 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी इस नंबर को अगर मैं 12 से डिवाइड दे दूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आप डिटेल में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक्सरसाइज वाले वीडियोस देख लेना। चलिए जो अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये मेरा 10th नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ पर ऊपर भी मेरे पास क्यूब रूट के अंदर 128 है और नीचे भी क्यूब रूट है, दोनों में क्यूब रूट है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, एक बार क्यूब रूट कर लो, 128 ऊपर रहने दो और नीचे में 250 रहने दो। अब हमारे पास ये दोनों आपस में कैसे सॉल्व होंगे, तो सबसे पहले आप क्या करो दोनों के फैक्टर्स निकाल लो कि इसके जो फैक्टर निकल रहे हैं वो कितने निकल रहे हैं। साइड में निकाल लेते हैं, 128 का 2 6 12 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, फिर 2 का टेबल से जा रहा है 32 टाइम पे, फिर 2 का टेबल से जा रहा है 16 टाइम पे, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 आ रहा है, यानी मेरा 2 2 2 का पेयर बना, और फिर से सॉरी यहाँ पर 3 पेयर बन रहा है, फिर ये 3 पेयर और 1 4, यानी कि टोटल 3 3 6 और ये 7 बार 2 आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर पावर में 3 जरूर लिखिएगा। ये हो जाएगा मेरा 2 2 2, फिर 2 4 टाइम हो गया, 1 5 टाइम, ये 6 टाइम और 1 7 टाइम, टोटल 7 टाइम था, 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरीके से नीचे जो हमारे पास 250 है उसको देख लेते हैं वो कितनी बार में आ रहा है। तो 250 का इधर निकाल लेता हूँ, पेज बचाते हैं, इन्वायरमेंट बचेगा हमारा, यहाँ पर 250 का निकाल लो जल्दी से, 2 1 जा 2 हो जाएगा, उसके बाद अब ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है, 5 में से 4 कट हुआ बचा 1, वो आगे जाके 10 बना देगा, तो 2 5 जा 10, अभी मेरा 5 से ही जाएगा, 5 2 जा, क्योंकि देखो लास्ट में 5 है, तो ये हमारा या तो 3 से हो सकता है या तो फिर 5 से होगा, तो 3 से हो नहीं रहा है, क्योंकि 5 और 2 7 होता है, और 7 में 1 ऐड करोगे तो 8 आता है, 8 3 के टेबल में नहीं है ना, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से नहीं होगा। बाकी 125 जो होता है वो 5 का क्यूब है, ये अपने को पता ही है। फिर भी हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए निकाल लेते हैं इसको, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 12 में से 10 कट हुआ बचा 2, आगे जाकर इसको 25 बना देगा, तो 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25 और लास्ट में 5 1 जा 5 आ गया, नीचे हमारा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करो, ऊपर नीचे कट करो, तो ये 2 फालतू में पड़ा हुआ है, इसको इससे उड़ा दो। अब क्या होगा हमारा, ऊपर में 2 का पेयर बन गया 2 बार और नीचे 5 का पेयर बन गया, तो उसको बाहर निकाल दो। एक 2 का पेयर बाहर निकला, फिर दूसरा वाला 2 का पेयर बाहर निकला और नीचे से एक 5 का पेयर बाहर निकल जाएगा। तो ऊपर मेरा 2 2 जा 4 हो गया और नीचे मेरा 5 का 5 रहेगा, तो 4 बाई 5 जो होगा इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया, जल्दी से अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ओरली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर, इनमें जो नंबर दिए हुए हैं इनमें से कौन सा क्यूब होगा हमारे ऑड नंबर का। तो मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपको एकदम समझाया था डिटेल में कि इवन नंबर का क्यूब इवन होता है, ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है। तो जिसका क्यूब आपको ऑड दिख रहा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर देखो 343 के लास्ट में 3 है, यानी कि एक ऑड नंबर है, तो ये जो होगा हमारा एक ऑड नंबर का ही क्यूब होगा, और हम जानते ही हैं कि ये 7 का क्यूब होता है, 7 क्या है, एक ऑड नंबर है। बाकी इधर उधर आपको देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 है, लास्ट में 2 है, लास्ट में 6 है, ये सब इवन नंबर्स हैं हमारे। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑड नंबर हो गया, और ऑड नंबर का क्यूब ही ऑड होता है। यहाँ पर आपको निकाल के नहीं दिखाना है, बस पूछ रहा था कि कौन सा जो क्यूब है वो एक ऑड नंबर का है, तो ये 343 जो होगा वो ऑड नंबर का क्यूब होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं आइए उनको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, एडजस्ट कर लेता हूँ क्या। देखो अब अच्छे से दिख रहा है आपको, जल्दी सॉल्व करते हैं, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है कि रूट क्यूब है हमारे पास, है ना, क्यूब वाला रूट है, उसमें ए और बी का मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर अलग, यहाँ पर जब इक्वल के उस पार में हमारा क्या क्या ए को अलग कर दिया गया है। तो हम जानते हैं कि जब कभी भी मल्टीप्लाई में हो रूट के अंदर, तो उसको अलग अलग आप करके लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको √3 के पावर में बी कर दोगे,
यहाँ रूट थ्री जो हमारा है, सॉरी क्यूब रूट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, क्योंकि ए और बी अलग अलग है तो उसको आप एक साथ भी लिख सकते हो और ये एक साथ है तो अलग अलग लिख सकते हो। इसके बारे में मैंने आपको इंटर में भी बताया हुआ था, जैसे यहाँ पर हमने किया था क्वेश्चन नंबर 10 में, ऊपर नीचे अलग लगते हैं तो उसको हमने फिर एक साथ कर लिया था ताकि हमारा सॉल्व हो जाए। सेम उसी तरीके से अगर एक साथ है तो उसको आप अलग अलग लिख सकते हो। देखो यहाँ पर भी वही चीज़ है जैसे हमारा 10 में था ना, यहाँ पर देखो एक साथ इकट्ठा करके दिया हुआ है, आप इसको क्या करोगे अलग अलग लिख लोगे। रूट क्यूब में हमारे पास क्या है, क्यूब रूट में ए बाई बी है, तो इसको आप क्या करोगे ऊपर में भी क्यूब में ए कर दोगे और डिवाइड में हमारे पास रूट बी कर दोगे, इस तरीके से क्यूब रूट बी, यानी अलग अलग आपको बस कर लेना और कुछ नहीं करना है। उस तरीके से यहाँ पर हमारा माइनस एक्स है, तो इसका एक फॉर्मूला आपके बुक में ही दिया हुआ था, कभी भी अगर माइनस वाला नंबर है तो माइनस को क्या करो बाहर निकाल दो और यहाँ पर क्यूब रूट के अंदर डायरेक्ट एक्स कर दो, माइनस के साइन को बस आपको क्या करना है हटा देना है, तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हमारे पास अभी नंबर बहुत सारे आए थे ना, तो उसको आप इस तरीके से भी कर सकते थे, जैसे 64 आया था माइनस वाला, तो हमने माइनस पर माइनस पर माइनस पर लिखा ना, अगर आप वैसे नहीं लिखना चाहते हो तो माइनस के साइन को बाहर निकाल दो, आप साइड में लिख लो एक बार इस तरीके से, और अंदर में 4 × 4 × 4 भी कर सकते हो, क्योंकि एक फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, कि अगर माइनस की नंबर है तो उसको माइनस को बाहर रख के आप अंदर वाले को सॉल्व कर सकते हो। उसी तरीके से 0.05 है ना, यानी कि 0.5 के पावर में 3 है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, 5 के पावर में अगर 3 रहता तो हमारा 5 × 5 × 5 कितना हो जाता, 125 हो जाता, लेकिन यहाँ पर मेरे पास 0.5 है, 0.5 है, ठीक है, और फिर से एक बार और 0.5 है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पावर में 3 है ना, इसका मतलब इसका 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 5 करोगे आप तो 125 ही आएगा, लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा हमको, डेसिमल भी तो लगाना है ना, तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा, तो देखो राइट साइड से यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है और यहाँ भी 1 डिजिट है, तो टोटल राइट डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो आप क्या करोगे जो आंसर आ रहा है उसमें राइट से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दोगे। क्लास 6 में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब जैसे भी आपको मल्टीप्लाई करना है डेसिमल वाला और डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हमारा टोटल 3 डिजिट आ रहा है डेसिमल के बाद, तो राइट साइड से 1, 2 और 3 काउंट करो और यहाँ पर डेसिमल लगा दो, डेसिमल की इधर कुछ नहीं है तो एक 0 लिख दिया जाता है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा 0.125 हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर हमारा टेस्ट पेपर 4। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो अगले चैप्टर्स हैं ना उनको मैं आपको इसी तरीके से डिटेल में समझा दूंगा, उनके टेस्ट पेपर भी सॉल्व करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।